सोनाली फोगाट मर्डर के इस मामले में नया एंगल सामने आया है। सोनाली के ड्राइवर ने दावा किया है कि वह जिन महंगी गाड़ियों में घूमती थी उनमें एक भी उनके नाम पर नहीं थी। आरोप है कि उनका पीए सुधीर सांगवान इन कारों को बेच चुका था या फिर अपने नाम ट्रांसफर करा चुका था। सोनाली के ड्राइवर रहे उमेश सिंह ने एक टीवी न्यूज चैनल से बातचीत में ये आरोप लगाए हैं। उसने यहां तक दावा किया है कि सोनाली के पास बेटी की स्कूल फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोनाली के पास 4 गाड़ियां थी, लेकिन फिलहाल इनमें से किसी का अता पता नहीं है। यह भी सामने आया है कि कागजों के हिसाब से सोनाली इन गाड़ियों की मालकिन नहीं थी। उनकी एक कार सुधीर सांगवान के नाम पर थी, जबकि 3 अन्य का मालिक कोई और था। ड्राइवर के मुताबिक उसने सोनाली के स्कॉर्पियो स्काडा गाड़ी चलाई थी। सुधीर ने उमेश सिंह को बताया कि एक मर्सिडीज कार भी थी जिसका एक्सीडेंट हो गया है और वह दिल्ली की किसी एजेंसी पर खड़ी है। ड्राइवर ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि सुधीर ने सोनाली के स्कॉर्पियो को 8 लाख रुपए में बेचा था। इसके बाद दिल्ली से 3.5 लाख रुपए की सफारी खरीदी थी। ड्राइवर ने चैनल को बताया कि उसके बाद से पता चला है कि मर्सिडीज कार पर 10 से 13 लाख रुपए का लोन था। अक्सर फाइनेंस कंपनी की कॉल आती थी, इसलिए सुधीर ने वह कार छिपा दी थी। इतना ही नहीं, सोनाली के ड्राइवर रहे उमेश सिंह ने आरोप लगाया कि सारे पैसे सुधीर के खाते में आते थे, यहां तक कि सोनाली के खाते में बेटी की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। ड्राइवर ने कहा कि एक दिन वह गाड़ी चला रही थी, तब सोनाली के पास स्कूल से फोन आया। स्कूल वालों ने कहा कि आपका चेक बाउंस हो गया है। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।